दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में अगर आपको लवकेश कटारिया, सना मकबूल और विशाल पांडे की दोस्ती अच्छी लगती थी, तो कहीं ना कहीं ये खबर आपको थोड़ा सा निराश और परेशान जरूर कर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस के लाइव फीड में घर के अंदर हुए झगड़े के बाद यहाँ पर विशाल पांडे और सना मकबूल दोनों ही लवकेश कटारिया से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लवकेश को टास्क मिला था घर के अंदर 20 मिनट का व्लॉग शूट करने का, और इस दौरान लवकेश ने घर के सभी कंटेस्टेंट को बुरी तरीके से रोस्ट किया था। और इस रोस्टिंग के चक्कर में लवकेश कटारिया ने कहीं ना कहीं सना मकबूल को भी गंदे तरीके से रोस्ट कर दिया और कुछ बातें ऐसी बोल दी थी, कुछ पर्सनल कमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से सना मकबूल को और लवकेश का ये अंदाज पसंद नहीं आया। इसके अलावा झगड़े के दौरान जो अदनान शेख के साथ में झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर विशाल पांडे भी नाराज हो गए। और इस समय दोनों जो नाराज थे, तो वहाँ पर विशाल पांडे ने समझाया कि यार लवकेश, टास्क तेरे को समझ में नहीं आया क्या? टास्क रोस्टिंग का नहीं था। बिग बॉस ने कहा था व्लॉग वीडियो बनाना है, सामने वाले की रियल पर्सनालिटी दिखानी है, तेरे मन में उसके लिए क्या फीलिंग है वो बोलनी है, अब तू जा जाके सबको रोस्ट कर रहा है। लेकिन लवकेश ने कहा कि भाई, मैं व्लॉग वीडियो जब बनाता ही ऐसा हूँ, थोड़ा सा फन होना चाहिए, थोड़ा एंटरटेन होना चाहिए, तभी तो वो एक परफेक्ट व्लॉग बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर विशाल कहता है कि ऐसे रोस्टिंग का तो नहीं होना चाहिए ना, तो फन दूसरे वे में भी कर सकता है, लेकिन तू तो रोस्ट कर रहा है, तूने इससे मकबूल को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जिसके बाद में यहाँ पर जो है, पहले तो लवकेश कटारिया ने नेजी से माफ़ी मांगी और कहा कि नेजी भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को कुछ गलत कहा तो। और सना मकबूल से भी उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि देखो, गलत बोला था, उसके लिए माफ़ करना। लेकिन सना मकबूल यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रही है और कह रही है कि चलो कोई बात नहीं, फिर छोड़ो आप उस बात को। यानी कि कुल मिलाकर गलत फहमी पैदा हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब इस दोस्ती में एक पतली सी दरार तो आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अदनान के साथ भी लवकेश का झगड़ा हो गया और विशाल पांडे का अदनान काफ़ी अच्छा दोस्त है, जिसकी वजह से विशाल ने कहीं ना कहीं झगड़े में अदनान का ज़्यादा साथ दिया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में इनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदलेगी या फिर ये फिर से दोस्त बन जाएंगे। आपका क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बन रही है।